हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश शो। आज हम एक पाकिस्तानी ड्रामा के ओएसटी पे रिएक्शन देने वाले हैं, जिसका टाइटल है मेरे पास तुम हो। इस गाने को राहत फतेह अली खान जी ने गाया है और इसमें जो एक्टर्स हैं उनका नाम है हुमायूं सईद और आयजा खान। एक्चुअली इस गाने को बहुत दिन पहले अजीम जी ने रिकमेंड किया था। आई एम सॉरी बहुत देर हो गया है, बट फिर भी आज हम फाइनली रिएक्ट करने वाले हैं इस गाने को, जो बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड था। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जा। लगता है ब्रेकअप हुआ है इनका। चलो रस्म सैड सॉन्ग लग रहा है। सही मुड़ के फैमिली है, शादी हो गई है इनकी। शादी होने के बाद शायद अलग हो गए होंगे। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जा। बहुत अच्छी आवाज है यार। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। बहुत अच्छी तरह से फीडबैक आया है इस गाने पे। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। इनकी वाइफ ने इनको धोखा दिया है, दगा बोल के बोल रहे हैं ना। तेरा हाँ
बचाकर नजर को गुजर जाइएगा जीना है गूज़बम्स आ रहे हैं यार लास्ट वो लाइन पे बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी यू नो हम पहले भी इनके गाने बहुत सारे सुन चुके हैं ये बहुत यू नो वर्ल्ड रिनोन सिंगर है राहत फतेह अली खान जी और इस सैड सॉन्ग में ना इन्होंने लाइक चार चांद लगा दिए आई नो ये सैड सॉन्ग है बट फिर भी इनकी आवाज़ ना इतना उबर के आ रहा था जो भी इमोशंस जो भी फीलिंग्स ये कन्वे करना चाह रहे थे वो हो रहा था रीच हो रहा था जो भी इस गाने को सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा था म्यूज़िक भी इसके साथ बहुत फिट बैठ रहा था और मुझे लगता है जिस तरह से इसके लिरिक्स हैं लगता है कि ये मैरिड कपल है और इनकी वाइफ ने इनको पता नहीं कुछ धोखा दिया है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है इन दोनों के बीच जो इनको अलग होना पड़ रहा है और एंड आई गेस जो भी एक पार्टनर के लिए दर्द होता है ना जो पार्टनर जब बिछड़ जाता है एक खुद से तो वो दर्द वो फीलिंग वो हर्ट दिख रही थी इसमें जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए फील करता है जितना प्यार था उसके लिए वो इतना प्यार करता है बोलता है कि नो दुनिया हमारे पास नहीं है तो क्या था क्या हुआ तुम मेरे पास हो बट वो मेरा भ्रम था मेरा भ्रम है कि तुम मेरे पास हो तो वो सोचता था कि दुनिया मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ यार तुम मेरे साथ हो बस वही काफ़ी है उस तरह की फीलिंग रखता था अपनी वाइफ के लिए बट बाद में पता चला कि वो पूरा उसका इमेजिनेशन था वो एक भ्रम था उसके लिए जिस तरह से यू नो उनको अलग होना पड़ा तो आई थिंक जो भी हर एक हस्बैंड फील करता है अपनी यू नो जान से ज़्यादा प्यार करने वाली वाइफ अगर छोड़ के चली जाए या फिर बिछड़ जाए तो वो हर्ट कन्वे हो रहा था यू नो आई कैन फील इट तो बहुत अच्छी आवाज़ है यार और लास्ट पार्ट में जब वो हमको जीना है बोल के जो भी वो बोलते हैं ना मुझे म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है बट वो कुछ राग या आलाप बोलते हैं ना जो एक वर्ड को जो लंबा खींचते हैं तो गूज़बम्स आ रहे थे मुझे उस लाइन पे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई भी गाना पाकिस्तानी ड्रामा का ओएसटी आप उठा लो एक ना एक लाइन ऐसा मिलेगा जो यू नो आपको लगेगा कि ये बहुत बहुत इतना अच्छा है कि जिनको बहुत छू रहा है तो आई थिंक इस गाने में भी एक दो लाइन सही से ही कि यू नो हमें जीना है तेरे बिना वो एक लाइन अच्छा लगा मुझे और कल तक तेरे हाथ हमको लगा था कि तेरा हाथ हमारे हाथों में था ऐसा कुछ ये एक दो लाइन्स ना सुनते वक्त इतना इन्वॉल्व होकर सुनते हैं ना तो वो फील होता है कि यार ना सच में हमारे साथ ही ऐसा हुआ है हालांकि नहीं हुआ है बट फिर भी अगर इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर हम इस गाने में खो जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है उस तरह की फीलिंग आती है मुझे बहुत अच्छा लगा ये लिरिक्स भी अच्छे लगे और राहत फतेह अली खान जी का क्या बताएं यार वो तो यू नो उनकी आवाज़ ही उनके लिए बोलती है जो भी है मुझे अच्छा लगा तो आप बताएं आपको कैसा लगा ये गाना एंड आई होप आपको जो भी आजकल के मैं ओएसटीज कर रही हूँ आपको अच्छे लग रहे हैं अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा या फिर आप कोई और यू नो डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं लाइक कोई ज़्यादा ट्रेलर्स चाहते हैं ज़्यादा सॉन्ग्स चाहते हैं इंस्टा ऑफ ओएसटीज आप चाहते हैं कि ज़्यादा सॉन्ग्स करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख भेज सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले रेक्शन में तब तक के लिए बाय